अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। आज मैं आपके लिए जून वाली गरारा लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम उसका विड्थ नापेंगे। विड्थ हमने लिया है 17 इंच। ये मैं ऊपर का पैंट की कटिंग कर रही हूँ। आप अपने पूरे लेंथ की लंबाई ले ले, उसके बाद उसको दो हिस्सों में बांट ले, एक तो नीचे का घेरा के लिए और ऊपर पैंट के लिए। तो सबसे पहले मैं पैंट काट रही हूँ। पैंट मेरा 17 इंच है लेंथ। अब मैंने इस कपड़े को फोर फोल्ड करके रखा है। ये देखिए 17 इंच का 17 इंच की लंबाई है, जिसमें मैं दो इंच लास्टिक के लिए छोड़ूंगी और यहाँ से 1 इंच सिलाई के लिए। अब मैं यहाँ से इस तरह से सीधा निशान लगा लूँगी। उसके बाद हम यहाँ से आसन का नाप लेंगे। तो आसन हम 12 इंच रखेंगे और यहाँ से 13 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए। तो 12 इंच का बॉक्स बनाना है और यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच लगने के बाद यहाँ से क्रॉस लेंथ का निशान लगा लेंगे। अब हम थाई का नाप लेंगे। आप थाई का नाप लीजिए। थाई के बाद थाई का जो हाफ हिस्सा आ रहा है उसको नापेंगे और हाफ हिस्से पे निशान लगाने के बाद इस तरह से इसे मिला लेंगे। और अब हम इसे कट करेंगे। मार्जिन मैंने पहले ही ले लिया था, इसलिए मैं निशान पे ही कट कर रही हूँ। इस तरह से। और अब हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग कर देंगे और इसे साइड में, यहाँ से हमें चून डालना है। अब मैंने कपड़े को फोर फोल्ड करके रख लिया है और हमारा जो लेंथ है उसको, जो मैंने दो हिस्से में किया था, तो उसी तरह से 28 इंच का नीचे का घेरा बनेगा। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग काट रही हूँ। लाइनिंग में ज़्यादा घेरा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा हल्का घेर दे करके इसे कट कर रही हूँ। विड्थ आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा विड्थ काटें और कम चाहिए तो कम काटें। मैंने इस तरह से कपड़े को फोर फोल्ड किया था और फोर फोल्ड करने के बाद हम लंबाई नाप ले करके इसे कट कर लेंगे, दो हिस्सों में बांट लेंगे। ये मेरा लाइनिंग कट हो गया। अब हम इसके रख करके नेट भी काटेंगे। तो चलिए, नेट में घेरा मैंने ज़्यादा लिया है और इसे मैंने फोर फोल्ड से ज़्यादा रखा है, यानी 8 फोल्ड किए हैं और कपड़े को फोर फोल्ड करके रखा है और इसी नाप से मैंने इसे कट कर लिया है। दुपट्टे में अरज कम होता है, इसलिए पहले हम लाइनिंग हटा लेंगे नीचे से काट के, मतलब घेरा का लाइनिंग हटा लेंगे काट के, उसके बाद हम ऊपर का पैंट काटेंगे। ये देखिए दुपट्टे से मेरा इस तरह से कपड़ा बचा है। तो इसमें अरज कम है, इसलिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से पैंट बैठा लिया है और ऊपर की तरफ कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम वहाँ नेट को जॉइंट करेंगे काट के, जो साइड से निकलेगा। सबसे पहले हम इस तरह से बैठा के इसे कटिंग कर लेंगे सेम नाप का। इसको भी अलग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा चुनना है, इसको सबसे पहले हम नाप लेंगे कि हमें कितना इंच का कपड़ा और जोड़ना है ऊपर। तो वो 5 इंच निकला है। तो यहाँ दूसरे कपड़े से हम, जो साइड से बचा हुआ था ना, उसके उसी से हम 5 इंच का पट्टी काटेंगे। इस तरह बैठा लेंगे
बैठाने के बाद चार फोल्ड किया है मैंने, और यहाँ से 5 इंच नाप करके, 5 इंच से ज़्यादा लेना है, 6 इंच लेना है क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ इंच सिलाई घुसेगा। ये जो यहाँ से मैंने लेस काट के निकाला था, इस तरफ से दूसरी तरफ जो लेस था उसे मैंने कट करके निकाल लिया है। ये इस तरह से इसमें जॉइंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टिच स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेट में इस पट्टी को जोड़ लेंगे पैंट के नेट में, इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे। और अब मैं इसमें से मियानी पहले कट कर लेती हूँ, और मियानी के लिए नेट भी कट करना है। ये मेरा मियानी कट हो चुका है। अब हम इसके लिए नेट भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है और ये नेट है जिसमें मैंने बेल्ट जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से बैठा करके सब तरफ से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से सब तरफ से सिलाई लगा लेंगे। हम इसे सिलाई लगाते हैं। मैंने इसे दोनों पल्लों में सिलाई लगा लिया है और मियानी में भी नेट लगा के जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, ये नेट है, कैमरा में शायद आपको ठीक से दिख रहा नहीं होगा। अब हम आसन में मियानी को जोड़ेंगे। अब उसी पल्ले के दूसरी तरफ के आसन में भी हम मियानी को इस तरह रख के जोड़ लेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो प्लीज़ उसे वॉच कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है मेरे चैनल में, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ओके फ्रेंड्स, अब हम सब में डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद हम दूसरे पल्ले को इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए, ये मैंने मियानी लगा लिया है, एक इस तरफ और दूसरी दूसरी तरफ। अब इसके ऊपर दूसरा पल्ला रख करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसकी थाई पे चुन्नट बैठाएंगे नेट का। इस तरह से हम चून बैठाते हुए जाएंगे। पहले हम नेट का चून बैठाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लाइनिंग का चून बैठाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे, और आप जितना घेर रखेंगे उसी हिसाब से गैदर्स बनाइएगा। ये मैं थाई में जोड़ रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से दिख रहा है। ये मैंने सारे में एक तरफ के पैर में
पूरा रफल लगा लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है एक तरफ में। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह लगा लेंगे। सबसे पहले तो मैं इस लाइनिंग को इसमें लगाऊंगी। तो अब हम इस तरह से, ये देखिए नेट नीचे है और इसके ऊपर से हम इस तरह गैदर्स बनाते हुए फिर से लगा लेंगे। आप नेट और लाइनिंग को साथ में जोड़ सकते थे, लेकिन मेरे लाइनिंग में घेरा कम दिया है इसलिए हम इसे अलग अलग जोड़ रहे हैं। ये देखिए, उसी तरह से जिस तरह मैंने नेट में घेरा बनाया था उसी तरह से लाइनिंग में भी चुन्नट डाल करके स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरे टांग को भी वैसे ही सी लेंगे, दूसरे पैर के हिस्से को, और नीचे के हिस्से को इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, ये दूसरे साइड में हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो चलिए हम लगाते हैं। ये देखिए, हमारा गरारा तैयार हो चुका है, सिर्फ इसको साइड से सिलाई करना है, उसके बाद ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड, ये मैं वीडियो लास्ट में जो गरारा का पूरा वीडियो सिलने के बाद वीडियो कर नहीं पाई, एक्चुअली ये किसी कस्टमर का था तो वो ले गया, इसलिए वीडियो नहीं कर पाई। इसके लिए रियली सॉरी, लेकिन आप इतना में समझ गए होंगे कि गरारा किस तरह सीना है। तो हम इस तरह से नेट को अंदर तरफ थोड़ा सा ठेल देंगे, पहले हम लाइनिंग सियेंगे। तो लाइनिंग और ऊपर से म्याने मिलाते हुए सीना है। ये कुछ इस तरह से लगेगा और इसका लुक इस तरह से आएगा। फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।